फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे साड़ी पे फॉल किस तरह से लगाते हैं। इसके लिए हमने इस तरह की साड़ी ली है और उसके मैचिंग फॉल लिया है। फॉल बाजार में इजीली अवेलेबल है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, बहुत जल्दी हमें साड़ी रेडी करनी है और मार्केट में नहीं देनी है, कोई हमें फॉल नहीं करके दे रहा है तुरंत ही, तो हम घर पे किस तरह से साड़ी पे फॉल लगाएं जल्दी ही अपनी मर्जी से अपने वक्त में, तो ये हम आपको बताएंगे। इसके लिए हमने बॉर्डर वाली साड़ी ली है। अगर आपके पास सिंपल साड़ी है, बॉर्डर नहीं है उस साड़ी में, तो फिर आपको उसको बाहर इंटरलॉक करवाना पड़ता है, ओवरलॉक करवाना पड़ता है, बाद में हम फॉल लगा सकते हैं घर पे। लेकिन अगर आपके पास अगर बॉर्डर वाली हैवी साड़ी है, तो उसको तो आपको बाहर देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने इस तरह की साड़ी ली है। उसका पल्लू का भाग रेडी है, उसमें इंटरलॉक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं। इस तरह से उसका पल्लू है, तो उसमें इंटरलॉक की ज़रूरत नहीं है, यानी कि ओवरलॉक की ज़रूरत नहीं है। ओवरलॉक किया हुआ है या बॉर्डर लगाई हुई है, तो उसका एक ही पार्ट ओवरलॉक के लिए बाकी रहता है। जो अंदर वाला साड़ी का पार्ट होता है, वो ओवरलॉक के लिए बाकी रहता है। तो मैं आपको बताती हूँ, साड़ी का ये जो अंदर वाला पार्ट है जिसमें हमें ओवरलॉक करना है, तो हमारे पास ओवरलॉक का मशीन भी नहीं है। अब हम क्या करेंगे? तो इसके लिए ये पार्ट जब भी हम साड़ी रैपिंग करेंगे, साड़ी पहनेंगे, तब ये पार्ट अंदर की तरफ चला जाएगा, तो ये बाहर कहीं दिखता नहीं है। तो इसके लिए हमें ओवरलॉक की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताती हूँ, इसको हम इस तरह से बारीक, बिल्कुल ही पतली बॉर्डर फोल्ड करेंगे साड़ी पे। इस तरह से हमने कपड़े को एक बार फोल्ड किया और एक बार और फोल्ड करेंगे और उस पर स्टिच लगा देंगे। याद रहे, ये साड़ी का अंदर वाला हिस्सा है, पल्लू का हिस्सा नहीं है, पल्लू के ऑपोजिट साइड का हिस्सा है, उस पे हम इस तरह से बॉर्डर फोल्ड कर रहे हैं। इस तरह से हम बिल्कुल ही बारीक, बिल्कुल ही पतली बॉर्डर फोल्ड करेंगे, तो यहाँ पे ओवरलॉक करवाने की भी कोई ज़रूरत नहीं रहती। तो हमें इंटरलॉक मशीन के बगैर हमें इस तरह से सिंपल, हमारे सादे मशीन में इस तरह से हमें बॉर्डर फोल्ड करनी है पहले। इस तरह से फ्रेंड्स, हमने सबसे पहले तो साड़ी की बॉर्डर को फोल्ड कर दिया है, यानी कि जहाँ पे हम ओवरलॉक करवाते हैं वहाँ पे हमने सिंपल बॉर्डर फोल्ड की है, ओवरलॉक नहीं किया है। अब इसी जहाँ पे हमने बॉर्डर फोल्ड की है, उसी पार्ट में हम नीचे की तरफ फॉल अटैच करेंगे। फॉल हमेशा नीचे की तरफ अटैच होता है। ये है नीचे की रॉन्ग साइड, ये है साड़ी की रॉन्ग साइड, उस पर हमें फॉल अटैच करना है। तो ये है हमारा फॉल। सबसे पहले फॉल की साइड इस तरह से फोल्ड करनी है। इस तरह से हम फॉल को थोड़ा सा फोल्ड कर देंगे। अब हमें इतना नाप छोड़ना है। यहां से इस तरह से हम एक मिलान का नाप लेंगे और इस तरह से हमें नाप छोड़ना है। इतना नाप लेकर यहाँ से हमें फॉल अटैच करना शुरू करना है। ये है हमारे साड़ी का फॉल अटैच करने का नाप। इतना हम पार्ट छोड़ देंगे साड़ी का और यहाँ से हम फॉल अटैच करेंगे। फॉल अटैच करने के लिए हम हमारा सिंपल मशीन ही यूज़ कर रहे हैं। हमारे पास कोई इंटरलॉक ओवरलॉक मशीन नहीं है। हम इसी सिंपल मशीन से हम साड़ी फॉल अटैच कर रहे हैं। तो इस तरह से हम इसके ऊपर स्टिच लगाएंगे।
तरह से साड़ी की बॉर्डर पे हम सिंपल मशीन से हमारे घर पे फॉल अटैच कर रहे हैं। अब लास्ट में जहाँ पे फॉल पूरी हो रही हो वहाँ पे भी हम आधा इंच फॉल को फोल्ड कर देंगे और उसके बाद स्टिच लगाएंगे। इस तरह से हमने आधा इंच फॉल को फोल्ड कर दिया है और स्टिच लगा दी है। हमने नीचे की साइड फॉल को अटैच कर दिया है, अब ऊपर की साइड हमें फॉल को हाथ से अटैच करना है। इसके लिए हमें निडल और थ्रेड चाहिए। अब ऊपर की तरफ फॉल को अटैच करने के लिए हम हाथ से फॉल लगाएंगे। इसके लिए हमें थ्रेड को डबल फोल्ड करना है इस तरह से। हमने डबल थ्रेड ली है और उसको निडल में पिरोया है। अब यहाँ से टांके लेना शुरू करना है। यहाँ तक हमने मशीन से टांके स्टिच किया है, यहाँ से हम हाथ से टांके लेंगे। इस तरह से बड़े बड़े टांके लेने हैं। तो नीचे की तरफ हम कम कपड़ा पकड़ेंगे, यानी कि कम कपड़ा इस सुई में डालेंगे और ऊपर की तरफ बड़े टांके लेंगे। इस तरह से हमें फॉल को हाथ से अटैच करना है। पहले साड़ी को अच्छे से हम सेट कर देंगे, उसकी वजह साड़ी में फॉल के साथ अटैच करते फॉल को साड़ी के साथ अटैच करते वक्त कहीं भी साड़ी में खोल ना आए, इसलिए हमें अच्छे से साड़ी को पहले रखना है। इस तरह से टांके लेते हुए हमें साड़ी के साथ फॉल को ऊपर की तरफ से भी अटैच करना है। फ्रेंड्स, इस तरह से हमने साड़ी पे फॉल को अटैच कर दिया है। अब लास्ट में यहाँ पे हमने नीडल को थ्रेड में से निकाल दिया है और यहाँ पे हम एक गांठ लगा देंगे ताकि हमारा धागा निकले नहीं और पक्का हो जाए। इस तरह से हमें यहाँ पे गांठ लगानी है। तो हमारा साड़ी पे फॉल अटैच हो चुका है। फ्रेंड्स, हम इस तरह से इजीली साड़ी पे फॉल लगा सकते हैं। अगर और मैं फिर से एक बार आपको बता देती हूँ, अगर आपकी साड़ी बॉर्डर वाली हो या उसका पल्लू का पार्ट रेडी है तो उसको हमें बाहर देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ओवरलॉक के लिए भी बाहर देने की ज़रूरत नहीं है। हम हमारे सिंपल मशीन में इसको बॉर्डर अंदर की तरफ बॉर्डर फोल्ड करके साड़ी को पहनने के लिए रेडी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने हमारी साड़ी तैयार कर दी है पहनने के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।